Assalamualaikum students, I am Miss Noreen, your science teacher of class 6. I hope you all are fine and staying safe at home. Today I'll start my first lecture with chapter number 1. Before starting the chapter, here is a short video clip for you. Our home planet Earth has more events occurring on it than we can imagine. These events involve the living organisms, inanimate structures, things which we can see, those which we can't, events that amaze us, and those which terrify us. The very formation of our Earth was another massive event. These events bring with it a large number of questions that arise out of curiosity. To explain or understand the world we live in, the world around us. If you've ever wondered what's going on, how these events take place, or why is it so, well then, you are not alone. These questions run in the minds of billions of people every second, every day. The answer to all these questions is simple. And lies in one word, science. Now probably your next question is, what exactly is science? So let's understand. Definition of science. Science is the systematic study of nature and how it affects us and the environment. Science kya hai? Science nature ki study hai systematic way mein. जब आप नेचर को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये हमें और हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है तो ये कहलाएगा साइंस. स्टूडेंट्स, बेसिकली साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. विद द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. So why the knowledge of science is important? Students, have you noticed that our daily lives are closely related to science? For example, the food we eat, the clothes we wear, the transport we take, or the energy we use, these all are related to science. The study of science is not just for scientists. Agar koi artist hai to uske liye bhi science ko janana zaruri hai. Jo वो अपने पेंटिंग मटेरियल यूज़ करेगा, जो डिफरेंट कलर्स को मिक्स करेगा, तो ये इस सब की जो स्टडी है वो क्या है, दैट इज़ साइंस. अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसे अच्छी फोटोग्राफी के लिए नेचर ऑफ लाइट को समझना ज़रूरी है, एंड द नेचर ऑफ लाइट इज़ व्हाट साइंस. अगर कोई होम मेकर है तो उसे अच्छी कुकिंग के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस मील प्रिपेयर कर सके, तो उसके लिए भी उसे साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है. तो इन एग्जांपल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंस हमारी डेली लाइफ से कितनी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. साइंस आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड अस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन अवर माइंड्स टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली. स्टूडेंट्स, जब हम साइंस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का वर्ड आपके माइंड में ज़रूर आएगा, और टेक्नोलॉजी जहाँ कहीं साइंस की बात होगी तो टेक्नोलॉजी उसके साथ होगी. सो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज़ द वे इन विच साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड टू बिल्ड मशीन एंड टू मेक आवर लाइफ्स ईजियर एंड मोर कम्फर्टेबल, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी. साइंटिफिक डिस्कवरीज को आप डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स बनाने में जब यूज़ करेंगे और फिर वो मशीन्स हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बना देंगी, तो ये कहलाती है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, हमारे जो काम पहले ज़मानों में कंप्यूटर के बग़ैर घंटों, महीनों और सालों में होते थे, वो अब मिनट्स और सेकेंड्स में होने लगे हैं. तो इस ये क्या हुआ कि इसने हमारे काम को हमारे लिए आसान बना दिया. इसके अलावा स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी के बहुत से एडवांटेजेस हैं. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट इनेबल्स अस टू ग्रो मोर फूड.
हम ज़्यादा फूड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या ग्रो करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। हॉर्टिकल्चर एक टेक्निक है, उसके अंदर हम प्लांट्स को जो है वो एक स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ हम एक लार्ज अमाउंट में कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या और डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, जो इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही मोर फूड ग्रो करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट एडवांटेज इज़ मेक आवर होम्स मोर कम्फर्टेबल। हम अपने घरों में एसी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन्स, उसके अलावा हम और कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और हम अपने घरों में लाइट्स के लिए बल्ब, डिफरेंट चीज़ें, हम अपने सेल फोन, ये सब क्या है, ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद ईज़। पहले ज़मानों में जो लोग महीनों सफ़र तय करते थे लगा के, वो अब बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स की मदद से घंटों में तय होने लगा है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ प्रिवेंट और क्योर मैनी इलनेसेस एंड डिजीज़। साइंस की मदद से हम बहुत सी डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं, और हम अगर कोई डिजीज़ है तो उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो साइंस जो है वो हमारे लाइफ टाइम पीरियड को प्रोलॉन्ग करने में भी हमें हेल्प देती है। उसके अलावा हम बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं कि जिनसे हम बहुत से डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो थे एडवांटेजेस, लेकिन कुछ मिसयूजेस भी हैं टेक्नोलॉजी के, या जिसे आप डिसएडवांटेजेस कह लें। साइंटिफिक डिस्कवरीज से पॉल्यूशन इंक्रीज़ हुई है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या व्हीकल्स होंगी तो पॉल्यूशन, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो पॉल्यूशन भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा जो डेडली वेपन्स बनाए जाते हैं, ये भी साइंस की ही इन्वेंशन है, ये भी टेक्नोलॉजी ही है। फॉर एग्जांपल गन्स बनाई जाती हैं, एटम बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ है या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे यहाँ आप देखें कि ये फैक्ट्रीज़ जो है वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं। यहाँ ये एग्जांपल आपके पास है वही एटम बम की, कि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। ये जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं, फ़ोन सिग्नल्स, या आप जो इंटरनेट के सिग्नल्स, या आप जो टीवी चैनल्स डिफरेंट जो आप देख रहे होते हैं, तो ये सारे, ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। ये आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में जो मैंने बताया था, ये वही टेक्निक है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड ग्रो करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ साइंस। स्टूडेंट, साइंस हमें बहुत सारे जगहों पे हेल्प करती है, लेकिन आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि साइंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन या जिनका आंसर साइंस के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम साइंस को यूज़ करते हुए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, तो इनसे जो डैमेज होता है उसे हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें होने से रोक नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप देखें, हम साइंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन हम डेथ को, अगर किसी की किसी डिजीज़ की वजह से डेथ हो रही, तो हम उस डेथ को रोक नहीं सकते। तो कुछ लिमिटेशंस हैं ये साइंस की। नेक्स्ट इज़ द साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? द साइंटिफिक मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन देयर इन्वेस्टिगेशंस। साइंटिफिक मेथड एक स्पेसिफिक मेथड क्यों है? क्योंकि साइंस के अंदर आप जब भी कोई स्टडी करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में वो काम करते हैं, स्टेप वाइज काम किए जाते हैं, कि फर्स्ट आपने ये स्टेप फॉलो करना है, देन आपने ये स्टेप फॉलो करना है, देन आपने ये। रैंडम साइंस के अंदर कोई भी प्रोसीजर या कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। तो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं, वो है, सबसे पहला स्टेप आपके पास है ऑब्जर्वेशन,
आप किसी भी फिनोमिना, किसी भी प्रोसेस, किसी भी चीज़ को सबसे पहले ऑब्ज़र्व करेंगे। और ऑब्ज़र्व आप कैसे करते हैं? अपने सेंसेस के थ्रू, चीज़ों को देख के, सुन के, फील करके, टेस्ट करके, ठीक है, स्मेल करके। तो ऑब्जर्वेशंस जो है वो सबसे पहली चीज़ साइंस के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके माइंड में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि शेडोज़ आर कास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक लाइट। शेडोज़ फॉर्म होते हैं। शेडोज़ कब फॉर्म होते हैं? आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि किसी चीज़ का साया बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि जब लाइट ब्लॉक हो रही है तब आपके माइंड में, आपने ये ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, इससे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि शेडो क्यों बनते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए आपको एक, ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके लिए अब आपको साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया ऑब्जर्वेशन, और उससे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन का आप एक पॉसिबल आंसर बनाते हैं अपने पास, ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो वो चीज़ कहलाती है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन से आपके पास जो क्वेश्चन बना, आपने उसका एक आंसर बनाया, एक स्टेटमेंट बनाई, दैट इज़ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। के शेडो क्यों फॉर्म होते हैं? कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब आप उसका पाथवे ब्लॉक करते हैं तो शेडो फॉर्म होते हैं। अब आपने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करना है। साइंस कभी भी थियोरेटिकली या नज़रियात पे बेस नहीं करती, बल्कि साइंस प्रैक्टिकली जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है और उसके रिज़ल्ट आते हैं तो वो चीज़ जो है वो साइंस कहलाती है। तो साइंस के अंदर जब आप फिर प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, इसके लिए हमें कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन से हमें प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करने हैं, कौन सी कंडीशंस हमें फॉलो करनी है। तो ये आप प्लान करते हैं उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं। फिर आप एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, जिन्हें आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं। जब आपके पास रिज़ल्ट आएंगे तो वो रिज़ल्ट या तो आपके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो वही रिज़ल्ट आए जो आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया था, फॉर एग्जांपल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर आपके पास वही आंसर आया कि वाकई शेडो इसी वजह से बनते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। देन आप उसे आगे रिपोर्ट करेंगे और फिर ये चीज़ कहलाएगी थ्योरी, ठीक है। जब आप कोई, आपके रिज़ल्ट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो बन जाते हैं थ्योरी। अब थ्योरी जब आप पब्लिश करेंगे तो डिफरेंट साइंटिस्ट उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे, और जब तमाम साइंटिस्ट के पास वो एक्सपेरिमेंट सेम रिज़ल्ट दे रहा होगा तो देन इट बिकम्स द लॉ ऑफ साइंस। और अगर आपका फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आए उससे आपका, वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो देन आपने दोबारा बैक पे जाना है और आपने एक नया हाइपोथेसिस, अपनी ऑब्जर्वेशन का जो क्वेश्चन था उसके लिए एक नया हाइपोथेसिस बनाना है, और फिर आपने दोबारा सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। अब यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसकी यहाँ आपको मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने अरेंज करना है वो, कि आपने तीन कार्डबोर्ड लेके उनमें एक ही पॉइंट पे सेंटर में होल करना है, फिर एक तरफ आपने लाइट सोर्स, बल्ब, कैंडल, कोई भी चीज़ रख देनी है, और दूसरी तरफ से आपने उन होल्स में से ऑब्ज़र्व करना है। तो ये प्रोसीजर आप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देख सकते हैं। टू शो दैट लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, थिंग्स रिक्वायर्ड 3 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, अ कैंडल, अ मैचबॉक्स, अ रूलर, अ स्क्रूड्राइवर। प्रोसीजर: Take the pieces of cardboard and make holes on each of them with a screwdriver. Make sure that the holes are at equal distance from the center of each cardboard. For this, use the ruler to measure the distance between the holes and the centers of the pieces of cardboard. Arrange the pieces of the cardboard in such a way as their holes fall in a straight line.
put a burning candle behind the pieces of the cardboard as shown in the animation. Observe the candle from the hole of the piece of cardboard placed at the other side. Is the candle visible? Yes, you can see candle in this position. Now, move one of the pieces of the cardboard to a side and again look through the same hole. Now, you cannot see the candle. This activity shows that light moves in a straight line. That's why we cannot see the candle after moving one of the pieces of the cardboard to a side. I hope, students, you understood the topic. Now you have home task. Complete this home task before your next class. Thank you.